गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 14th पार्ट में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, अर्थात दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाएंगी, उनके बारे में हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। तो ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, अर्थात ऐसी संख्याएं जो या तो विभाजित ना हो या उनकी जो डेसिमल हैं वो रिपीटिंग ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, या ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल है इसका पाई, तो पाई आपका इरेशनल नंबर है। इसके बाद अनरूट टू, अनरूट थ्री, मतलब जिनका जो है हम स्क्वायर रूट ना निकाल सकें वो भी मतलब सारी की सारी क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और आपको बताता हूं मैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो जैसे आपके पास है 72.01001001000001, तो ये जो हो गए ये आपके होगी नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स, जो मतलब ऐसे आगे तक चलते जाएंगे इनफिनिट तक, ठीक है, ये मतलब कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं, ये किसके एग्जांपल हैं, ये है अपरिमेय संख्याओं के। तो आज हम आपको जैसे जो है इस वीडियो में बताएंगे, तो हमने क्या किए हैं कि जो है सबसे पहले टू क्वेश्चंस में हमने टू नंबर्स लिए हैं, उनके बीच में निकालेंगे। फिर अगले जो टू हैं हमने पॉइंट्स के लिए हैं, अगले जो टू हैं हमने फ्रैक्शंस के लिए हैं, और अगले जो टू हैं डिजिट्स ये हमने इरेशनल नंबर्स लिए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो हैं ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर्स के हैं, उनके बीच में मतलब हम जैसे जो है कैसे इरेशनल नंबर निकालेंगे, और लास्ट के जो टू क्वेश्चन है ये हमने इरेशनल लिए हैं, अपरिमेय संख्या लिए हैं, इनके बीच में हम इरेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है कि फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन 20 and 30। तो 20 और 30 के बीच में हमने संख्याएं निकालनी हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। तो मतलब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आपको किसी संख्या का आ जाए, आपको कोई एक इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए आए, तो आपने क्या करना, आपने 20 को मल्टीप्लाई करना है 30 से और उसका क्या निकाल देना है, अंडर रूट। तो 3 2 6 और 600 क्या क्या करेंगे हम, अंडर रूट निकालेंगे। ये भी कौन सी संख्या बन गई, ये अपरिमेय संख्या बन गई, ठीक है। जैसे मतलब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 2 और 3, तो 2 और 3 को क्या करना हमने, मल्टीप्लाई करना और 6 करना, अंडर रूट निकालना। तो ये भी क्या बन जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो जैसे अगर आपको बोला है कि एक अपरिमेय संख्या निकालो, तो आप मल्टीप्लाई करके और उनका अंडर रूट निकाल करके कर सकते हैं, कोई भी जैसे जो है डिजिट क्यों ना हो आपके पास, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या करो, इनका अंडर रूट निकालो। और बाकी आपको मैं एक इन क्वेश्चन को करने से पहले ये भी बता देता हूं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत इनफिनाइट जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब अनंत संख्याएं होती हैं। तो अब आपको बताता हूं कि देखो कैसे हम निकालेंगे 20 और 30 के बीच में। तो 20 के बाद क्या आता है, 21, 21 के बाद क्या आता है, 22, 23, ऐसे कर करके यहां पर लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 29 आएगा। तो ये जो है ये 20 और 30 के बीच में संख्याएं हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको इरेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल जैसा फार्मूला बताता हूं मैं, पॉइंट लगा दिया 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे, ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास एक अपरिमेय संख्या बन गई। और यहां पर आप 1 की बजाय 2 भी कर सकते हैं, जैसे यहां लिख देता हूं मैं 21.02002002, ठीक है, डॉट 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 ऐसे कर करके हो सकते हैं। यहाँ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, जैसे 21.03003003003 और फिर 00003, ऐसे डॉट 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 ये हो सकती है, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार हम अनेक संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और बता दूं मैं, जैसे यहाँ लिखते हैं हम 22.02002
जीरो 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 टू जीरो 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 टू डॉट डॉट डॉट। तो ये हमने जो है ये निकाल ली संख्याएं किसके बीच में, 20 और 30 के बीच में इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड आपके पास है, एक है टू एंड थ्री, दो और तीन के बीच में निकालना है। तो दो और तीन के बीच में क्या होता है, आपको बताया था मैंने, 2.1 होता है, 2.2 होता है, 2.3 होता है, 2.4 होता है, लास्ट आपके पास क्या आता है, 2.9 आता है, फिर क्या बढ़ जाता है, फिर 3 बढ़ जाता है। तो बस हम क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ वही रूल लगा सकते हैं कि 01001001 ऐसा कर सकते हैं, या 02002000 ऐसा कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर भी 01001000 डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 के बीच में भी अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। और अगर आपको एक आई है निकालने के लिए, तो आपको मैंने पहले बताया कि 2 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से, और उसका अंडर रूट, तो 6 का अंडर रूट, ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, 6 अंडर रूट, ये भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 2.5 और 5.5, ये पॉइंट का क्वेश्चन है। इसके बीच में मतलब क्या करो आप, इरेशनल नंबर निकालो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 2.5 और 5.5 के बीच में क्या आ रहा है, 2.6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3.1 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, ठीक है, 2.7 आ रहा है, 5.4 आ रहा है। तो ये सारे के सारे डिजिट जो है इनके बीच में आ रही हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना फार्मूला लगा सकते हैं, 01001001 डॉट डॉट डॉट, या यहाँ पर 01 और 001000 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम क्या कर सकते हैं इनमें निकाल सकते हैं। जैसे 3 है तो यहाँ पर 02002000 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट जो है आप इरेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप उनको मल्टीप्लाई करके भी क्या कर सकते हैं, अंडर रूट निकाल करके भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2.5 और 2.6, इसके बीच में निकालो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जैसे 2.5 है और 2.6 है, ये बिल्कुल नजदीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जीरो लगाएंगे, यहां पर जीरो निकालेंगे लगाएंगे, और यहां पर कितना हो गया 50, और कितना हो गया 60 हो गया, और जब हम एक और जीरो लगाएंगे तो यहां पर 500 600, तो कितनी संख्या होगी बीच में, 100 होगी। ठीक है, तो हम जैसे अभी देखते हैं 50 और 60 के बीच में कितनी होगी संख्या, 10। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, जैसे 2.51, 2.52, 2.53, और फिर फार्मूला लगा सकते हैं 01001000 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर सकते हैं, या हम 02002000 डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 2.5 और 2.6 के बीच में इरेशनल नंबर इनफिनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है वो फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन हमारे पास जैसे जो है क्या है, 3.5 है एंड 4.5 है। अब इसके बीच में हमने संख्याएं क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसा करेंगे, पहले पहले जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको भी पॉइंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉइंट लग गया 0, 6 5 का कितना हो गया 30। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 0.6 आ गया ये। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है 4, तो 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, 0.085 का कितना हो गया 40। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.8। तो जब हम यहाँ 0 0 लगा देंगे तो देखो यहाँ पर 61 से लेकर के कितना 79 तक हमारे पास डिजिट बन जाएंगे। तो पहला बन गया 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 ऐसे। और फिर हम जैसे फार्मूला लगाते जाएंगे अपना 01001000001, ठीक है, डॉट और डॉट ऐसे, या हम 01 नहीं लगाना है तो हम 2 लगा सकते हैं, 02002000002 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे हमारे पास जो है 3/5 और 4/5 के बीच में क्या हो गए, इरेशनल नंबर भी हो गए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 है हमारा 1/3 और 1/2। अब इनके बीच में हमने इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो बस वैसा ही डिवाइड करो 1 को 3 से, 0.033 कितना हो गया 9,
और थ्री थ्री जा कितना हो गया नाइन, एंड थ्री थ्री जा कितना हो गया नाइन, तो यहाँ हो गया 0.33। और जब हम वन को डिवाइड करेंगे टू से तो पॉइंट लगेगा 0.52 जा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो जब जीरो लगाएंगे तो 33, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 0.50, 0.33, 0.50, और अब इसके बीच में कितना होगा, 0.34 आएगा, 0.35 आएगा, 0.36 आएगा, 0.37 आएगा, ठीक है, 0.41 आएगा, 0.45 आएगा। तो बस अब हमने क्या करना है, अपना फार्मूला लगा देना है, 01001001 डॉट 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 ऐसे, 02002000002 डॉट 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 ऐसे हम निकाल सकते हैं, या हम फोर निकाल सकते हैं, 04004000004 डॉट 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 05005, ऐसे हम जो हैं अनेक जो हैं अपरिमेय संख्याएं क्या कर सकते हैं इसके बीच में निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो सेवंथ है। अब सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास अनरूट टू एंड अनरूट थ्री के जो है क्या करो के बीच में अपरिमेय संख्या निकालो। तो एक तो ऐसा भी हो सकता है कि अनरूट टू प्लस हमने किया अनरूट आपका थ्री और इसको बटा क्या कर दिया दो से, वो भी क्या बन गई हमारे पास एक अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है, क्योंकि इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, और ये हो गया नहीं, ये भी हमारे पास इदृश्य नंबर बन गया। अब एक और मैं आपको मतलब तरीका बताता हूं, हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो होता है 1.4142, और इसका जो है होता है 1.73205, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ज्यादा डिजिट, हम टू डिजिट देखते हैं, यहाँ पर 41 है और यहाँ पर 1.73 है। ठीक है, तो 41 और 73 के बीच में कितने डिजिट है आपको पता है, इनके बीच में 1.42 भी आता है, 1.49 भी आता है, 1.51 भी आता है, 1.61 भी आता है, ठीक है, 1.71 भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे डिजिट इसके बीच में आ जाएंगे, और इसके साथ आप फार्मूला लगा सकते हैं, 01001001 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास एक संख्या बन गई। ये हमारे पास 02002000002 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्याएं अनरूट टू और अनरूट थ्री के बीच में हो गई। अब हम जैसे जो है एक और भी कर सकते हैं, और ऐसा कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट और यहाँ पर भी लगा दिया पॉइंट, तो ये कितना बन गया 20, ये कितना बन गया 30। अब 20 और 30 के बीच में हमारे पास कितना आता है, 2.1 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका भी कर सकते हैं, जैसे 2.1 अनरूट, 2.2 अनरूट, 2. जो है आपका 3 अनरूट, 2.4 अनरूट। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.5 नहीं आएगा, क्योंकि 2.5 का जो है 0.5 आ जाएगा, तो ये जो है ये अपरिमेय नहीं है, कौन सी बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो आपने उसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, आप 2. जो है 41 भी ले सकते हैं अनरूट। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब आप क्या कर सकते हैं, अनरूट टू और अनरूट थ्री के बीच में कई अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब आप अनरूट लेंगे, जैसे मतलब आपका 2.56 होता है, तो ये भी आपका 1.6 मतलब इसका जो है वो हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, तो ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय वही होगी जिसका मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, वो होगी अपरिमेय। तो इस हिसाब से आपको दो तीन तरीके मैंने बता दिए वर्गमूल से निकालने के, जो है कैसे, जैसे अनरूट के बीच में जैसे हमें अपरिमेय संख्या निकालती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट है, तो ये भी, ये सेवंथ क्वेश्चन में भी हमारे पास दो अपरिमेय संख्या थी इरेशनल नंबर्स थे, और ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। तो जैसे हमारे पास लिखा है 0.10100001 डॉट 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 ऐसे दिया है, एंड सेकेंड नंबर कितना दिया है 0.20200 फिर आपका 20002 डॉट 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 ये दिया है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कितना है 10 है, 0.10, और यहाँ पर कितना है 0.20 है, तो पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 11.12.13.14। फिर हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं 01001000001 डॉट डॉट डॉट, या 02002000002 डॉट 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 ऐसे हम निकाल सकते हैं, या तो 03030003 डॉट डॉट डॉट। तो
ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या इनफाइनाइट संख्या की कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जैसे जो है क्या डिस्कस किया कि जो दो संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय है चाहे अपरिमेय है, उनके बीच में इरेशनल नंबर्स जो अपरिमेय संख्या है वो कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।